सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता, परंतु सभी को कुछ ना कुछ जरूर ही मिलता है, और जो हमें मिलता है उसका हम सुख लें, सदुपयोग करें, औरों को भी सदुपयोग करने का मौका दें, आगे बढ़ें, सेवा करें, और उस बात से बाहर निकल जाएं कि हमारे पे ये चीज़ नहीं है, हमारे पे वो चीज़ नहीं है, हम इस तरीके से रहते हैं, दूसरा उस तरीके से सुख से रहता है। भगवान ने जो दिया है हमारे कर्मों के मुताबिक दिया है, और या तो कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, और या नाम इतना करो कि काम हो जाए। ठीक इसी तरीके से जो चीज़ हमारे पास है उसको हम स्वयं भी उपभोग करें, और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को भी उस चीज़ का उपभोग करने का शुभ अवसर दें। ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ये विषय है समझने का कि जब प्रभु ने हमें तन मन और धन तीनों दिए हों तो हमें दूसरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, और सेवा करते करते आगे बढ़ जाना चाहिए। इस देश का इतिहास है कि जिन लोगों ने सेवा करी उनको भगवान ने खूब मेवा दी, खूब आगे बढ़ाया, खूब तरक्की दी, और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, अधिकार भी बनता है कि हम खूब सेवा करें ताकि खूब मेवा मिल सके। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है सेवा हम खूब करें परंतु परिणाम की अपेक्षा न करें। भगवान हमारे सत्कर्मों के माध्यम से हमें देते हैं, और जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस भगवान से हाथ जोड़ के दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना करके मांगते हैं। लेकिन जब हम मंदिर के बाहर आते हैं तो कुछ लोग बैठे मिलते हैं और वो आप हमसे मांगते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, तो हम से जो मांग रहा हो उसको हम दें, और सद उपयोग धन का करते हुए आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने कहा, इस दुनिया में सब कुछ सबको नहीं मिलता, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। यदि हम पूरे के पूरे अपने वातावरण की, लाइफ की स्टडी करें तो पाएंगे कि जिन चीज़ों की हमने अपेक्षा नहीं की थी उससे कई ज़्यादा चीज़ें भगवान ने हमें दी, इसलिए उसका हाथ जोड़कर सत सत बार प्रणाम करते हैं, सत सत बार नमन करते हैं, सत सत बार अभिनंदन करते हैं, सत सत बार नंदन करते हैं। हमें उन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए खुशी मनानी चाहिए जो भगवान ने हमें दी, और जो भगवान ने हमें नहीं दी उसका रंज नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्कर्म करते हुए उन्हें अर्जित करने की निरंतर अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं, वो किसकी प्रार्थना कब सुन ले ये पता लगता है इस बात से कि द्रौपदी अपने चीरहरण में रोती रही, चिल्लाती रही, और कोई भी उसकी मदद को नहीं आया।
और आए तो प्रार्थना के माध्यम से कृष्ण भगवान स्वयं चले आए, उस साड़ी को इतना बड़ा स्वरूप दे दिया कि कौरव निरंतर द्रौपदी के वस्त्र उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाया और द्रौपदी की लाज बची। इसलिए द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को सम्मान दिया, आदर दिया और उन्हें परम परमेश्वर कहा। हमारे आपके जीवन में भी अनगिनत ऐसी बातें हमें प्राप्त हो गई, ऊर्जा प्राप्त हो गई, सम्मान प्राप्त हो गया, आदर प्राप्त हो गया, जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी नैतिकता बनती है, हमारा पराक्रम बनता है कि हम जो भी करें सोच समझ के करें, ताकि प्रसिद्धि, समृद्धि, ख्याति हम लोगों के जीवन में निरंतर जुड़ती जाए और हम अपने से पिछड़ों की मदद करते हुए आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि सब कुछ सभी को नहीं मिलता, परंतु सभी को कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है, और जो हमें कुछ ना कुछ मिलता है उसको बांटते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, चलते चले जाओ। भगवान हम सबकी साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों वे बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत प्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब जय हिंद।